हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है मीठी फुलकी। मीठी फुलकी के लिए मुझे मूंग दाल चाहिए, धुली मूंग की दाल या बिना छिलके वाली मूंग की दाल। मूंग की दाल की ये बनती है, इसलिए मूंगौची भी इसे कहते हैं। इसके साथ मुझे चाहिए उड़द दाल धुली हुई 1 मुट्ठी, ये हिसाब सही रहता है। इसके बाद मुझे चाहिए चीनी, मैंने आधा किलो, इतने दाल के लिए मैंने आधा किलो चीनी लिया है। फिर फूड कलर, मैंने ऑरेंज कलर लिया है, आप येलो या ऑरेंज कोई सा कलर यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने सोडा लिया है, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा वो लेंगे, 2 चुटकी चाहिए। और तलने के लिए रिफाइंड तेल या घी। सबसे पहले मूंग दाल और उड़द दाल को अच्छी तरह से धो करके 4-5 घंटे के लिए भिगा के छोड़ देंगे। मैंने पहले से भिगा के रखा हुआ है, ये देखिए ये भीग करके इतना सारा हो गया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से इसका पानी निकाल के इसे बिना पानी का मिक्सी में पीस लूँगी, या आप सिलबट्टे पे भी इसे पीस सकते हैं। मैंने मूंग और उड़द की दाल को पीस लिया है इस तरह से बारीक, जैसे भल्ले के लिए, दही भल्ले के लिए भल्ला बनाते हैं या वड़ा बनाते हैं, तो इस तरह से इसे बारीक पीस लेना है। और मैंने बड़ा बर्तन इसलिए लिया है कि जब मैं इसे फेंटूंगी तो ये बहुत बढ़ जाएगा, तो इसके लिए बड़ा बर्तन रहना ज़रूरी है। फुलकी बनाने से पहले मैं चाशनी बनाकर तैयार करूँगी। इसके लिए इसमें चीनी डालूंगी, आधा किलो चीनी, 2 गिलास पानी, 2 गिलास पानी डालेंगे। अब इसे चाशनी बनाने के लिए रख देंगे गैस ऑन करके। फिर इसमें थोड़ा सा रंग डालेंगे, 2 चुटकी रंग। इसे उबाल आने तक पकाएंगे। चीनी पिघल गई है और चाशनी में उबाल आ गया है, इसे बस 1 मिनट पकाएंगे, फिर बंद कर देंगे। इसका ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं बनाना है, चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, बस उबाल आने तक ही ये चीनी इसके अंदर की घुल जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। चाशनी तैयार हो गई है, अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी और ये जब तक ठंडा होगा, आइए मैं फुलकी बनाती हूँ। अब मैं फुलकी के लिए दाल को फेंटना शुरू करूंगी। मैं हाथ से ही इसे फेंटती हूँ, मुझे वही पसंद है, आप चाहें तो चम्मच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छे से ये फेंटा जाता है। इस तरह से एक ही साइड होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस बर्तन में आप दाल को भिगा रहे हैं या जिस बर्तन में आप दाल को फेंट रहे हैं, उसमें चिकना बिल्कुल भी ना हो, कोई तेल ज़रा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये इसमें तेल ज़रा भी होगा तो ये फिर फुलकी उठेगी नहीं, दाल फिर ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और अच्छी नहीं बनेगी, अंदर से इसमें वो अंदर से कड़ी रह जाएगी। इसे इस तरह से फेंटना है जैसे दही बड़े के बड़े को फेंटते हैं, उसी तरह से इसे काफ़ी देर तक फेंटना होता है। इसे कम से कम 10 मिनट तक फेंटना है। देखिए ये थोड़ा बढ़ने लग गया है, अभी मैं इसे और फेंटूंगी। देखिए ये फेंटते फेंटते काफ़ी बढ़ गई है। ये अभी पूरी तरह से तैयार हुई है या नहीं, इसको देखने के लिए एक कटोरे में मैं पानी लूँगी और थोड़ा सा इसमें इस तरह से इसमें डुबाऊँगी। ये बिल्कुल ऊपर तैर गया है, लेकिन इसमें से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, मतलब अभी इसे और फेंटना है। इसमें पानी ज़रा भी नहीं डालना और इसी तरह से फेंटते रहना है।
टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट तक तो लगातार है आपको इसे फेंटना ही पड़ेगा। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और ये काफ़ी बढ़ गया है। अब चलिए पता करते हैं कि ये तैयार हुआ है या नहीं। मैंने इसे थोड़ा सा लिया और कटोरी में पानी रख के उस पर डाला। ये बिल्कुल तैर रहा है, देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूंगी, इतना सा मीठा सोडा, 2 चुटकी या 2 पिंच आप बस थोड़ा सा डालना है और इसे हल्के हाथों से फेंटना है। अब ये तलने के लिए तैयार है। चलिए मैं इसे तलती हूँ। तलने के लिए कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल या आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डीप फ्राई करना है इसलिए ज़्यादा तेल डालेंगे। हाई फ्लेम पे तेल को गरम करेंगे और अब इसे मीडियम कर देंगे फ्लेम को और इसमें फुल्की, इसमें दाल को डालते हैं। इस तरह से छोटी छोटी फुल्की बना के डालना है। आप चाहें तो चम्मच से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको इसमें डालना है। इसे हल्के हाथों से पलट देंगे। आप चाहें तो किसी चाकू की मदद से भी एक एक को अलग अलग कर से धीरे धीरे पलट सकते हैं इस तरह से। इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि सब तरफ से ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए, इसको पलटते रहेंगे। ये गोल्डन हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये किस तरह से गोल्डन हो गए हैं। इस तरह से इसे गोल्डन निकालना है। इस फुल्की को जो मैंने चाशनी बना के रखी थी मैं उसमें डाल दूंगी और फिर बाकी फुल्की बनाऊंगी। इसे इसको इसी तरह से इसमें रहने देंगे। जैसे जैसे आप इसमें फुल्की डालते जाइए थोड़ा थोड़ा पलटते जाइए कि हर तरफ से ये चाशनी को अपने अंदर सोख ले। ये देखिए इतनी थोड़ी सी दाल में मैंने कितनी सारी फुल्कियाँ बना ली। सारी फुल्की इस तरह से होनी चाहिए कि वो चाशनी में डूबी रहे, तभी वो चाशनी को अपने अंदर सोख पाएगी या चाशनी को पी लेगी। तो इसे इस तरह से रख करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। मीठी फुल्की तैयार है। मीठी फुल्की या मुंगौची तैयार है। ये एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश होती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।